हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए, जो कंटेंट आपका अधूरा रह गया था बीए फोर्थ सेम का, तो उसको पुनः लेकर हम प्रस्तुत हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया था फोर्थ सेम का जो वैदिक अध्ययन है, को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसका पेपर आपका 25 को है, तो उससे संबंधित हम 25 क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये वीडियो हमें नहीं मिल रही है, तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बीए फोर्थ सेम की अलग प्लेलिस्ट है और बीए सेकंड सेम की अलग प्लेलिस्ट है। जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपका जो करिकुलर पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ वैल्यू एजुकेशन का, उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड मैं कर रही हूँ बीए वालों का। और जो बीकॉम का है और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका लास्ट टाइम ही मैंने अपलोड कर दिया था सॉल्व करके, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन से आगे। ये 100 क्वेश्चन हैं, दो पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगी। अभी कोशिश करेंगे 26 से लेकर आपके 50 तक के क्वेश्चन या 50-60 तक करके, उसके बाद दूसरे वीडियो में पुनः आपको मिलते हैं। चलिए बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्या जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ के आंसर आपको खुद से बताने हैं। तो चलिए, यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का हमने आप लोगों से आंसर पूछा था, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर हमें मिला भी है, तो जो स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता चला है, तो इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ दिया गया है सफ़ेद घोड़े का। तो 26 का जो क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है, तो ये कथन लिया गया है उपनिषद से। वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेदों का ज्ञान के स्रोत के रूप में हम देखते हैं। तो जो ज्ञान है किसी भी तरह का, आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित, तो वह हम वेदों से संबंधित ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों को आमतौर पर क्या कहा जाता था, तो वैदिक लोगों को आमतौर पर आर्य कहा जाता था। चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। तब तक जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हैं और वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं, और वीडियो अगर आपको सही लगती हैं तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर पर वो कंटेंट आपको दिया जाता है जो आपको कहीं नहीं मिलता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, अप्रिशिएट कीजिए, हमें आपका एक लाइक ही अप्रिशिएट करता है। और साथ में शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो कंटेंट है वैदिक अध्ययन से संबंधित पहली बार एनईबी के अकॉर्डिंग ये जारी हुआ है, तो काफ़ी कम इसका कंटेंट यूट्यूब पर है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और उसको भी आपकी तरह ही कहीं ना कहीं ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगी और उसको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा इस वीडियो से। 25 को एग्ज़ाम है और कम टाइम है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुँचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पेपर में ये फ़ायदा देगा। चलिए चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन है, उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था। तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ माना गया है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, तो ऐसा नहीं कोई जानवर की बलि देना है, कोई भी भेंट होती थी तो उसको बलि ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, बोगोज कोई से, तो इसमें थोड़ा सा जानकारी और देना चाहूँगी आपको। ये 100 क्वेश्चन है और मैंने नोट्स भी अपलोड किए हैं, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। कुछ नोट्स मैं शाम तक देखूंगी कि आपके लिए अपलोड कर दूं, और आपको अगर लगता है कि 100 के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड है तो आप ज़रूर भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज। वैसे मुझे लगता है ये 100 क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बाकी जो नोट्स हैं उनको पढ़िए, नोट्स से भी आप कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो वह कौन सा है, तो वह है बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फिर यहाँ पर ऋग्वेद जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी उसको क्या कहा जाता था, उसको सभा कहा जाता था। अब यही क्वेश्चन मैंने सीधा सीधा आपसे पूछ लिया, हो सकता है वो क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दे, वो पूछेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सभा क्या थी, तो आप इसको क्या आंसर वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे कि न्यायिक कार्यों के लिए थी या एक जनसभा थी, इस तरह के ऑप्शन आपका डाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सभा किसको कहा जाता था जो न्यायालय से संबंधित थी। ठीक है, चलते हैं आगे।
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। जितने भी वेद हैं चारों वेद के आपको ब्राह्मण ग्रंथ पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ से आपका प्रश्न 2 से 5 जरूर क्वेश्चन निकलेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है 5 से 6 भी निकले आएँ, तो ब्राह्मण जरूर याद करके जाइएगा चारों वेद के। चलते हैं आगे। वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर वैसे हमने अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन दूसरा हो सकता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई टाइम वेस्टेड नहीं है, सीधा सीधा आपको आंसर बताया जा रहा है। कोई 4 ऑप्शन मैं नहीं लेकर आई हूँ जिसमें मैं पढ़ पढ़ कर टाइम वेस्ट करूँ आपका भी और अपना भी, तो सीधे सीधे आंसर आपको दे रही हूँ। बस आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्या करना है, शेयर ज़रूर कर देना है जिससे सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। मेरी रिक्वेस्ट इतनी होती है कि जितना भी कंटेंट हिंदी मिरर से आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट्स हो। चलते हैं आगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द, जो कि प्रचलन में है अब, लेकिन प्रथम कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। 16 संस्कार होते हैं। हो सकता है आपसे दसम संस्कार पूछ लें, आपसे नवम संस्कार पूछ लें, तो इनका आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से संस्कार होते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह है ऋग्वैदिक, सॉरी इसका आंसर आपको हम यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसका आंसर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। इसका जो है सप्त सिंधु, इसका हम आंसर लिख सकते हैं सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती सप्त सिंधु में थी। ऋग्वैदिक धर्म था। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ के साथ मैंने आंसर नहीं दिए हैं, यहाँ पर कुछ आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और कुछ के आंसर मैं आपको बताऊंगी जो आंसर मुझे लगता है बहुत ईजी है उसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुदेववादी धर्म था जो ऋग्वैदिक धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? वैदिक संहिताएं आती हैं जिसमें हम वैदिक संहिता में चारों वेदों को हम काउंट करते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, और उसके बाद आपके वेदांत आते हैं, तो इनका सीक्वेंस क्या है नोट कर लीजिए। पहला आप नोट कर लीजिए वैदिक संहिताएँ, वैदिक संहिताएँ, इसके बाद ब्राह्मण जो मैंने भी आपको बताया था, इसके बाद जो है आरण्यक हैं, और इसके बाद आपके उपनिषद हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो 41 का आपका आंसर है, वर्ण शब्द का सबसे पहले जो आपको उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में, तो नोट कर लीजिए ऋग्वेद में। 42 का जो क्वेश्चन है वह है आपका, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है गोपत ब्राह्मण? तो गोपत ब्राह्मण जो संबंधित है वह है अथर्ववेद से। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, उसमें क्या होगा आपको भी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चन मैं इनको पढ़ देती हूँ और फिर मैं बाद में इन सब के आंसर लेकर आती हूँ। शाम तक आप इनके आंसर सर्च कीजिए और आप देखिएगी आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। 50 तक हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, साथ के साथ आंसर बता देती हूँ। बाकी 51 से जो हम क्वेश्चंस बताएंगे 100, वो मैं अनसोल्व करके आपके डालूंगी और फिर उनके सॉल्व आंसर की एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप अनसोल्व को सॉल्व करिएगा। 1 से 2 घंटा मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसके बाद सॉल्व जब मैं अपलोड करूंगी तब आप अपने आंसर उसे मैच कर सकते हैं, तो देखिएगा आप कितने आंसर सही कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपकी तैयारी भी हो जाएगी और साथ में एक ये फन टाइप भी वीडियो हो जाएंगी आपके लिए। तो 50 तक चलिए सारे आंसर बता देते हैं। 42 का आपका अथर्ववेद हो चुका है। 43 क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये मिलता है मनु स्मृति में, ठीक है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र सभी को पता है, 44 का आंसर आप खुद से बताएंगे, बहुत इजी है ये। 45 देख लेते हैं, यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है, तो यहाँ पर
यज्ञ जो वेदियां होती थी उसके माप के बारे में यहाँ किसमें निर्धारित है, तो ये जो निर्धारित की गई है शुल्व सूत्र में है और ये आपके सिलेबस में भी ऐड है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है सिलेबस को लेकर भी आ रही है, तो मुझे ताज्जुब है कि अभी तक आपके पास सिलेबस भी नहीं है। क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम आपके सिर पर है और अभी तक आपके पास सिलेबस भी नहीं है। फिर भी मैं अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, तब वहां आकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 46। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है, तो किसको पुरोहित माना गया है वैदिक देवताओं में, तो इसका है बृहस्पति। आप नोट कर लीजिए, बृहस्पति को जो है पुरोहित माना गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होता से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 47 का थोड़ा सा ये डिटेल में है, लिख लीजिए। ये वैसे होता का संबंध ऋग्वेद से है, लेकिन होता क्या था। होता जो होते थे यह यज्ञ के अवसर पर देवता विशेष का आह्वान करता है, ऋग्वेद से संबंधित है। और ये जो होता है एक तरह से एक विधि होती थी और इसमें जब यज्ञ किए जाते थे तो देवताओं का आह्वान किया जाता था इनके माध्यम से। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, जिसकी डिमांड ऋग्वैदिक काल में थी लेकिन अब भी इसकी डिमांड शुरू हो चुकी है, जो है यव, ठीक है। यव को क्या कहते हैं, जौ, जो कि जौ का आटा आज के टाइम में बहुत पसंद किया जाता है। जौ का गेहूं का आटा अब लोग बहुत कम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अब जो पसंद करा जा रहा है आटा गेहूं का, चने का, और साथ में आपका जो है आटा जौ के साथ साथ गेहूं और जौ, और क्या जौ के साथ साथ चने का आटा मिक्स कर खाया जाता है, जिसको हम मिक्स रोटी बोलते हैं, तो ये खाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ये तो अलग मैटर हो चुका है। 49 का आप क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए 49 देख लीजिए। ऋग्वेद में किसी मंडल प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है, तो 49 का आपका आंसर जा रहा है अग्नि, इसको नोट कर लीजिए। फिर 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है, तो इसको हम बता देते हैं अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद 50 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। पहला इसमें 51 है, ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख हुआ, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या के मंत्र हैं, तो इसका आंसर मैंने साथ के साथ दे दिया है, अग्नि से संबंधित है। फिर 53 है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, 4 पुरुषार्थ का सही क्रम है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। नेक्स्ट वीडियो 57 से हम शुरू करते हैं और 100 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आपको दूंगी, जिसके आंसर आप सोल्व करेंगे 1 से 2 घंटे के बाद मैं अपलोड करूंगी 100 क्वेश्चन के आंसर, तब आप मुझसे मैच करिएगा और आप देखिएगा कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी जब देखती हूँ कितने लाइक आते हैं और कितने शेयरिंग आप करते हैं, पता तो चले कि वीडियो आप कितनी शेयर कर रहे हैं और कितने लाइक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होती है और हमारे लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो इस परिवार के लिए एक लाइक और शेयर आपका भी दायित्व बनता है, करते रहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।